सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए या फिर उनका काम सही तरीके से होता रहे, तो हमारे पास एक थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है जिसको कहते हैं टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक इकोनॉमी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, वो सर्विसेज भी बनाती है। सर्विसेज बनाने का मतलब है वो सर्विसेज प्रोड्यूस करती है या क्रिएट करती है। अब ये जो सर्विसेज हैं ये बेसिकली दो टाइप की हो सकती हैं, राइट। सर्विसेज एक तो डायरेक्टली फैसिलिटेटर सर्विसेज होती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की फंक्शनिंग को फैसिलिटेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फार्मर हूँ और मैंने कॉटन उगाया है, तो मुझे अपने घर अपने खेत से कॉटन को बाजार तक लेके जाने के लिए एक ट्रक चाहिए। तो उस ट्रक को जो ड्राइव करेगा ट्रक ड्राइवर, वो किस सेक्टर का एम्प्लॉय होगा? वो सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉय नहीं होगा, वो टर्शरी सेक्टर का एम्प्लॉय होगा, क्योंकि वो एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई मटीरियल गुड प्रोवाइड नहीं कर रहा, राइट। सो एक फैसिलिटेटर सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन या फिर आपको जैसे ऑन ए सेकेंड लेवल हम ये भी बोल सकते हैं कि अब अगर आपको कुछ ख़रीदना है और आपकी सेविंग्स हैं पिछले हार्वेस्ट से, या जो पिछली बार आपने उगाया था वो आपने बैंक, उसका जो सरप्लस था आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स हुई वो आपने बैंक में जमा किया ताकि आप इस साल सीड्स खरीद सकें। सो बैंकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस जो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की वर्किंग में काम करने में हेल्प करती है, राइट। ऑन दी अदर हैंड, सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जो दोनों सेक्टर्स के इंडिपेंडेंट भी आपकी और मेरी लाइफ को ईजी बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ अ टीचर, एक्सेट्रा। जैसे एक डॉक्टर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, एक टीचर है वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। सो डॉक्टर और टीचर एसेंशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। देयरफॉर वी हैव बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वी हैव थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अपार्ट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन, वॉट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था कि चैप्टर चाहता है आपको एक बात समझ में आए कि ये तीनों सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक फार्मर हूँ और मुझे इरीगेशन अपने खेत में चाहिए और मैंने पंप इंस्टॉल करवाया है, या मैं फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी तो यूज़ करती हूँ, सो वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और वो इरीगेशन पम्प इज़ एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। वो सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रीज़ में बना है और वो कुछ ऐसे लोग और वो किसी और ने बनाया है, और मैं प्राइमरी सेक्टर की एक एक्टिविटी के लिए उसको यूज़ कर रही हूँ, राइट। और एक एग्जांपल है, जैसे पहले बैंकिंग का एग्जांपल दिया था, तो जो एक बैंकर है वो टर्शरी सेक्टर का एम्प्लॉय है, लेकिन मुझे अपनी कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए बैंक से पैसे लेने पड़ते हैं, बैंक की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, मुझे अपनी कॉटन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक ड्राइवर्स की सर्विसेज भी लेनी पड़ती हैं। सो बॉटम लाइन ये है कि एक स्टडी के लिए आप उसको बाइफर्केट कर सकते हो, पर कुछ भी एक दूसरे से डिसोसिएट नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है, पूरी इकोनॉमी एज अ होल काम करती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि दो इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, देयर इज़ नो हायरार्की ऑफ दीज सेक्टर्स, राइट। कि प्राइमरी ऐसा नहीं है कि पहले कॉटन बनेगा फिर ही सेकेंडरी सेक्टर आएगा, एवरीथिंग वर्क्स इन अ प्रॉपर टाइम, साथ में काम करता है सब कुछ, एक टाइम फ्रेम में काम करता है। एंड दैट्स बेसिकली अबाउट द फर्स्ट पार्ट।